नमस्कार, इंडिया 24 7 लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं प्रतीक्षा वर्मा। रुक करते हैं इस वक्त की अहम खबरों का। सिद्धार्थनगर ब्लॉक प्रमुख शपथ ग्रहण में आज जिले के सभी विभाग खंडों में कार्यक्रम आयोजन किया गया, जिसमें जिले के विधायक अपने अपने क्षेत्र में मौजूद रहे। शपथ ग्रहण में जिले के विभिन्न विभागों के अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गयी। शपथ के बाद सभी प्रमुखों ने एक ही बात कही, विकास करने की। नौगढ़ विकास खंड में रेणु मिश्रा ने कहा कि सभी क्षेत्र पंचायतों का ध्यान रखते हुए क्षेत्र का विकास करने में पहली भूमिका रहेगी। वहीं जोगी विकास खंड में सावित्री देवी ने भी विकास की बात कहते हुए उन्हें प्रतिनिधि। और भाजपा नेता कन्हैया पासवान ने कहा कि क्षेत्र की विकास के लिए और क्षेत्र की समस्या को दूर करने के लिए पूरा प्रयास होगा। बाढ़ग्रस्त क्षेत्र होने के कारण जोगिया के विकास की प्राथमिकता प्रमुख रहेगी। इंडिया 24/7 लाइव टीवी के लिए सुचित वर्मा की रिपोर्ट। जो प्रमुख क्षेत्र जिला पंचायत जोगिया निश्चित हुई हूँ, निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ, सत्य निष्ठा से प्रतिष्ठा प्रतिज्ञा करती हूँ। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता कठिनता अछूत रखूंगी। क्या प्राथमिकता होगी आपकी? जोगिया ब्लॉक के विकास करूंगी। इनकी प्राथमिकता है कि हमारे देश में माननीय मोदी प्रधानमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी मुख्यमंत्री हैं। इनका उद्देश्य था कि जिस तरह से सपा और बसपा के शासनकाल में गुंडई के बल पर ब्लॉक प्रमुख जिला पंचायत की कुर्सी पर कब्जा किया गया था और वहाँ के जो धन आते थे विकास कार्य के लिए उस धन को बंदरबांट करती थी, उस बंदरबांट को रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने संवैधानिक रूप से पर्च दाखिला करके चुनाव लड़कर को जीत के आया। आए लोग आने के बाद जिस तरह से हमारा देश और प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर हो चुका है, उसी तरह से हमारा जोगिया ब्लॉक भी विकास के पथ पर अग्रसर रहेगा, निश्चय ही विकास की जनता रहेगी। इससे पहले भी पार्टी के बैनर तले ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं, उनके कार्यकाल में उनके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। मैं चुन करके आया हूँ, मेरी मान लीजिए चुन करके आई है। मेरा प्राथमिकता है यहाँ सभी माननीय क्षेत्र पंचायत सदस्यों का सम्मान करते हुए इस क्षेत्र का विकास करना। जिस बाढ़ग्रस्त क्षेत्र लोगों के लिए क्या आपका? बाढ़ग्रस्त क्षेत्र के लिए हम जिला पंचायत या जिले के प्रशासन से जब भी हम समस्या आएगी या उसके पहले ही मैं बात करूँगा, बात करके यहाँ पे जो बाढ़ग्रस्त एरिया है उससे निजात मिले यहाँ के किसानों को। विकास की बातें होती हैं, आप इन्हें देख लीजिए, चौराहे से नाले पार होते हो, जो रास्ता जा रहा है वो एकदम जर्जर हालत में है और पानी भरा हुआ है, लोगों का आवागमन। आपका कहना सही है, जो जोगिया से नाले पार की रोड जा रही है वो विकास खंड के अंतर्गत नहीं आता, चूँकि सड़क पिरोली की है। माननीय विधायक माननीय सांसद जी के द्वारा ही वो बन सकता है, लेकिन हमारी सरकार है, मेरी प्राथमिकता है कि जल्दी से जल्दी उस सड़क को हम बनवा करके अपने यहाँ के नागरिकों को सुविधा उपलब्ध कराने का काम।